हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर इन 10 में। माई सेल्फ प्रभास कुमार, आई हैव बीन टीचिंग जीएस फॉर मोर देन 6 इयर्स एंड मेंटोर मोर देन 80,000 स्टूडेंट्स सो फार। आई हैव आल्सो क्लियर वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो अन अकेडमी के लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दें। आप हमसे टेलीग्राम ऐप पर भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको अपकमिंग एग्जाम के नोटिफिकेशन मिलेंगे और साथ के साथ अपकमिंग वीडियोस के बारे में भी आपको बताया जाएगा। एंड फॉर श्योर फॉर सिलेक्शन प्लीज गो फॉर सब्सक्रिप्शन प्लान, जो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ से 24 मंथ है। ठीक है, मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि वो 12 महीने से 24 मंथ के प्लान लें। एक तो ये इकोनॉमिकल है, दूसरा अगर आप एग्ज़ाम देखते हैं तो उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर जीए का देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि साल से 1.5 साल के पुराने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको भी हमें कंसिडर करना है। ठीक है, तो इस सेंस से भी ये सेंसिबल डिसीजन हो जाता है कि हम 12 से 24 मंथ के प्लान को ही ऑप्ट करें। तीसरा बात ये होता है कि आपको एग्ज़ाम में अच्छा खासा समय लग जाता है प्रिपरेशन करने में, और सारे सब्जेक्टों के अपडेटेड मटेरियल ही चाहिए, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, और जब हम मन बना लिए कि हाँ मुझे अब 12 महीने से 24 मंथ का प्लान लेना है, तो उसमें एक और फ़ायदा मैं बता देता हूँ कि आप इस कोड को यूज कर लीजिएगा, PRABHASS। इससे फ़ायदा ये होगा कि 12 मंथ का कोर्स का फ़ी तो 6,000 है, मगर आपको ये जैसे ही कोड आपने इंसर्ट किया तो आपको सिर्फ 5,400 ही पे करना है। अब 24 मंथ का कोर्स का फ़ी कितना है, 7,200, और आपको देना कितना है जैसे कोड इंसर्ट किया, तो 6,400। मतलब हर प्लान पे ये काम करेगा, तो आप 10% का डिस्काउंट पाओगे जैसे ही ये प्लान परचेज आप करते। तो करंट अफेयर्स 28 जून, MCQs। पहला क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज रिलीज्ड लोगो एंड टैगलाइन फॉर नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड। तो ये फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, फर्स्ट है हर्षवर्धन, सेकंड है रतनलाल कटारिया, थर्ड है महेंद्रनाथ पांडे एंड फोर्थ है श्रीपाद यशो नायक। द राइट आंसर इज रतनलाल कटारिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट इज द अमाउंट एलोकेटेड फॉर नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन फॉर द ईयर फाइनेंशियल ईयर 2020-21। तो पहला है 460 करोड़, दूसरा है 180 करोड़, तीसरा है 240 करोड़ एंड फोर्थ है 260 करोड़। द राइट आंसर इज 260 करोड़, याद रखिएगा इसको भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व अ B2B डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर MSME हैज लॉन्च अ टेलर मेड क्रेडिट कार्ड इन पार्टनरशिप विद विच बैंक। SBI बैंक, सेकंड है यस बैंक, थर्ड है स्टैंडर्ड चार्टर और चौथा है बैंक ऑफ बड़ौदा। राइट आंसर इज स्टैंडर्ड चार्टर बैंक। और MSME मिनिस्टर कौन है ये भी याद रख लेंगे, तो गडकरी साहब है। ठीक है, नितिन गडकरी का नाम जानते ही होंगे सारे। और इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, तो नागपुर, ये भी याद रख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विच इज द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च गोधन न्याय योजना टू प्रमोट एनिमल हस्बेंड्री। फर्स्ट है गुजरात, सेकंड राजस्थान, थर्ड है महाराष्ट्र एंड द फोर्थ इज छत्तीसगढ़। द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज छत्तीसगढ़, इसको भी याद रख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे, हु हैज लॉन्च अ 5-डे लॉन्ग वर्चुअल एग्जीबिशन वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020। फर्स्ट है श्रीपद यशो नायक जी, दूसरा है डॉक्टर हर्षवर्धन, तीसरा है स्मृति ईरानी और चौथा है मनसुख मंडाविया। तो राइट आंसर इज मनसुख मंडाविया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल एजेंसी हैज सैंक्शन 500 मिलियन फॉर वेस्टर्न इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड रीजनल इन्हांसमेंट वीकेयर फेज 1 प्रोजेक्ट टू इम्प्रूव रोड कनेक्टिविटी इन बांग्लादेश। फर्स्ट है वर्ल्ड बैंक, दूसरा है एशियन डेवलपमेंट, तीसरा है AIIB और चौथा है IMF। द राइट आंसर इज वर्ल्ड बैंक। अब इसमें इसको ध्यान रखिएगा, वेस्टर्न इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड रीजनल इन्हांसमेंट, तो ये फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा। कितने का दिया गया, तो 500 मिलियन।
ठीक है, ये सारा चीज़ याद करना। अच्छा, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी याद कर लेंगे, तो वॉशिंगटन। एशियन डेवलपमेंट बैंक का कहाँ पे, तो फिलीपींस। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, तो इसका भी याद कर लेंगे। कहाँ पे, बीजिंग। आईएमएफ, ये भी आपको वॉशिंगटन। ये भी जब याद करते तो याद रखिएगा, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी बीजिंग में। और एक न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसका आपको संघा, कहाँ पे, शंघाई। और इसका दूसरा नाम क्या है, ब्रिक्स, ब्रिक्स बैंक भी इसको कह देते हैं हम लोग। तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये भी याद रखेंगे ब्रिक्स। ठीक है, हु इज द फर्स्ट वुमेन अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब। दुर्गा शक्ति नागपाल, सेकेंड है पूनम, थर्ड है अरुणा एंड फोर्थ है विनी। तो राइट आंसर इज विनी महाजन। क्वेश्चन नंबर 8 से देखते हैं। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल स्टार ऑफ इकोसिस्टम रिपोर्ट GSER 2020, विच इज द ओनली सिटी ऑफ इंडिया टू बी इंक्लूडेड इन द टॉप 30 ऑफ द स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग लिस्ट। तो ये याद रखिएगा, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट। तो फर्स्ट है दिल्ली, सेकंड है बेंगलुरु, थर्ड है अहमदाबाद एंड फोर्थ है मुंबई। तो राइट आंसर इज सेकंड का, बेंगलुरु। ठीक है, अब रैंकिंग का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इससे हर साल एक क्वेश्चन फंसना ही फंसना। कभी आपसे पूछता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, तो इसमें आपको दो चीज़ याद रखना होता है कि हमारे कंट्री में क्या पोजीशन है हमारे कंट्री का, और जो टॉप करता है ना तो टॉप कंट्री का भी इम्पोर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2020, विच सिटी हैज टॉप द स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग लिस्ट। फर्स्ट है न्यूयॉर्क, सेकेंड है पेरिस, थर्ड है सिलिकॉन वैली एंड फोर्थ है निवादा। द राइट आंसर इज सिलिकॉन वैली। ये भी याद रखें, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 10, विच स्टेट्स पंचायती राज डिपार्टमेंट हैज वॉन ई पंचायती पुरस्कार 2020। फर्स्ट है राजस्थान, सेकेंड उत्तर प्रदेश, थर्ड है हिमाचल प्रदेश और चौथा है मध्य प्रदेश। राइट आंसर इज हिमाचल प्रदेश, किसमें, ई पंचायती पुरस्कार 2020। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, जयराम ठाकुर। ठीक है, ये याद रखें। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ और राजस्थान के अशोक गहलोत और शिवराज सिंह मध्य प्रदेश के। ठीक है, तो ये सारा इंफॉर्मेशन आप याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये सेशन पसंद आया तो बेल आइकन पे जरूर हिट कर दीजिएगा, और जब भी कोई प्लान परचेज करें अन अकेडमी से तो आप मेरा ये कोड यूज़ करें, दैट इज़ PRABHSH। जैसे ये कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, आप चैनल मेरा सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अन अकेडमी के। आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर अपकमिंग वीडियोस, और यूट्यूब पे भी कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।